हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अभी लॉकडाउन है तो खाना घर में बन ही रहा है और कुछ ना कुछ ज़्यादा बन जाता है, तो ठीक है, गाय को भी देते हैं, सब करते हैं, कुत्तों को भी, गाय को भी, सबको ही डालते हैं, रोटी वगैरह को भी, उसके बाद भी बच जाती है कोई भी, जैसे चावल बच गए हैं, रोटी बच गई है, तो उसका सदुपयोग कर लें। तो आज रोटी बच गई है तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लड्डू बनाए जाए रोटी के। तो काफ़ी सारी रोटी है तो उसके लड्डू बना रही हूँ मैं। देखिएगा रेसिपी, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो देखिए बनाते हैं रेसिपी रोटी के लिए। ये 4-5 रोटियां हैं, बच गई हैं, तो ये सुबह की रोटी है, काफी बच गई हैं, तो इनको मैं पहले टुकड़े कर लूंगी इनके और फिर इनको मिक्सी में इनका चूरा कर लूंगी, जैसे ग्राइंड करके मिक्सी में, और फिर इनका चूरा कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में घी चढ़ाएंगे और इन रोटियों को थोड़ा घी में सेक लेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास बादाम है तो मैं इनको थोड़ा सा कूट कर और डाल दूंगी। एक इलायची डाल दूंगी, में खुशबू अच्छी आ जाए। इलायची मैं इसी में मिला रही हूँ। घी कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़े से बादाम को सेक लूंगी, रोटियों को सेक लूंगी। इलायची भी डाल दी है और मैंने बादाम डाल दिए, घी में इसको सेक लिया है। अब मैं इसमें बूरा डालूंगी, तो ये मैंने पीस के रखा हुआ है बूरा चीनी का। ये 5-6 रोटी थी बची हुई और इसमें मैंने करीबन 2 करछी बूरा चीनी का डाल दिया है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इन लड्डुओं को मैं बांध दूंगी। आप चाहें तो इन लड्डुओं में गिरी का बूरा डाल सकती हैं, या आपके पास गोंद है तो गोंद डाल सकती हैं। इन सबको पहले सेक लें घी में और फिर मिला दें, तो ये अच्छे बन जाएंगे। मैं अभी प्लेन लड्डू बना रही हूँ, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, केवल इलायची और बादाम डाले, मेरे पास बहुत थोड़े से बादाम ही थे। देखिए
उसके लड्डू बंधने लगे। थोड़ा सा गर्म हो तभी इनको बांध दे। तो तैयार है ये लड्डू, तो तैयार है ये रोटी के लड्डू जो ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। तो खुद भी खाइए और घर वालों को भी खिलाइए।